हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। किस आयु में वृद्धि हो जाती है दोस्तों? इनकी औसत आयु में। तो शिक्षक की आयु कितनी है? हमारे पास दे रखा है दोस्तों 36 छात्रों की, यानी कि स्टूडेंट की। अब हम स्टूडेंट का क्या करेंगे, टोटल आयु निकालेंगे दोस्तों। यानी कि 36 छात्र है, गुणा में हम 14 करेंगे क्योंकि इनकी आयु टोटल निकालनी है। तो हमारे पास क्या आएगा, 36 की 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगी दोस्तों इनकी टोटल आयु, यानी कि 504 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसमें एक शिक्षक और शामिल कर दिया, तो शिक्षक और शामिल कर दिया यानी कि स्टूडेंट प्लस टीचर। पहले कितनी थी औसत आयु इनकी, 14 थी, और अब आने पर किसकी एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अब हो गई 15। और टीचर आने के बाद समूह में कितने स्टूडेंट और टीचर हो गए, 36 स्टूडेंट हो गए और एक टीचर हो गए, यानी कि टोटल 37 हो गए। तो अब हम इन 37 की टोटल आयु निकाल लेंगे। तो 37 की टोटल आयु निकालेंगे हम, 37 गुणा में 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा दोस्तों 555 वर्ष। अब ये बोल रहा है कि शिक्षक की आयु कितनी है, तो शिक्षक की आयु में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से ये घटा देंगे, यानी कि इसमें स्टूडेंट प्लस टीचर है और ये स्टूडेंट स्टूडेंट की टोटल आयु है। तो इसमें से ये घटाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, टीचर की आयु आ जाएगी, यानी कि 555 माइनस 504 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 51। यानी कि टीचर की आयु कितनी है दोस्तों, 51 वर्ष है। यही क्या हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले ट्रिक की वीडियो आपको प्राप्त हो सके।